किसी भी समाज के उत्थान के लिए उस समाज का शिक्षित होना आवश्यक होता है। शिक्षा के माध्यम से ही हम अपने विचारों को उड़ान दे सकते हैं। भारत देश की नींव उसके गांव की व्यवस्था है, और जब तक आप इस गांव व्यवस्था में शिक्षा के स्तर को सशक्त नहीं कर सकते, तब तक गाँव वासियों को मुख्य धारा में लाना संभव है। उत्तर प्रदेश के अधिकांश गाँव में सरकारी शिक्षा व्यवस्था बुरी तरह से चरमराई हुई है। कहीं स्कूलों में शिक्षकों का अभाव है तो कहीं स्कूलों में बैठने की व्यवस्था और बाउंड्री भी नहीं है। वहीं कहीं देखने को मिलता है कि गांव वासियों में शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव है। वहीं हम कह सकते हैं कि आज भी सिगांव में शिक्षा का स्तर सुधरा नहीं है। इसी के तहत एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद संभल के ब्लॉक संभल में स्थित गांव कटोनी पड़ा। लगभग 3500 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी 9 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान जलधारा है। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर ढंग से कराए जा रहे हैं। वहीं बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव की प्राइमरी पाठशाला में लगभग 270 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखे। वहीं बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान ने गांव में 350 मीटर सीसी टाइल्स रोड, प्राइमरी विद्यालय में शौचालय एवं बाउंड्री का कार्य तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत 25 शौचालयों का निर्माण वर्तमान प्रधान द्वारा करवाया गया है। वहीं पेयजल आपूर्ति के लिए गांव में 22 हैंडपंप लगवाए गए हैं तथा 30 और हैंडपंप लगवाने की सरकार से मांग है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त कराने के लिए गांव में 65 विद्युत पोल, 5 विद्युत ट्रांसफार्मर तथा 10 सोलर लाइटें भी लगवाई गई हैं। वहीं एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में सड़क निर्माण, स्वास्थ्य केंद्र, बारात घर, आंगनबाड़ी केंद्र, 800 मीटर नाला, कन्या इंटर कॉलेज तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 70 आवास के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मेरा नाम सतवीर सिंह, ग्राम प्रधान पति, ग्राम पंचायत नाशकपुर कटोनी। भाई साहब, हमारे यहाँ जो भी सरकार ने हमें पैसा दिया जी, वो पूरी तरह से पूर्ण रूप से जी कार्य कराया है। सीसी टाइल्स है, नाला निर्माण है, सौर ऊर्जा है, स्कूल की बाउंड्री, शौचालय आदि। तो ग्राम पंचायत में धनराशि कम होने के कारण काम बहुत रुका हुआ है जी। हमारे यहाँ विशेषकर आवासों की बहुत जरूरत है जी। एक भी आवास अभी तक नहीं बना है। 2011 की सूची के अनुसार कोई भी नाम नहीं है। 70-75 आवासों की तो विशेष जरूरत है। पात्र लोग जो पात्र हैं, बारात घर हमारे यहाँ नहीं है, बारात घर की बहुत विशेष जरूरत है। आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, आंगनबाड़ी केंद्र की विशेष जरूरत है जी। और भाई साहब, पानी की निकासी तो बहुत ही खराब है जी, जी। नाले की विशेष जरूरत है, जो लगभग 850-850 मीटर नाले की जरूरत है जी। मैं मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा धनराशि ग्राम पंचायत कटोनी में दें, वो विकास कार्य पूर्ण तरीके से हो सके जी। और हमारे यहाँ पर ODF के तहत 25 शौचालय मात्र बने हुए हैं जी। ब्लॉक वाले और सरकार कह रहे हैं ODF कराओ, ODF कराओ, गांव ODF कैसे होगा जी जी जी। शौचालय तो लाभार्थी के खाते में पैसे आ रहा है और परिसर प्रधान पर दिया जा रहा है। हम कह रहे हैं लाभार्थी के खाते में पैसे डाल दिए जाए, जिससे वो शौचालय हम बनवाएंगे, गारंटी के साथ बनवाएंगे, लेकिन पैसे तो डाला जाए जी। बस यही निवेदन है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि वर्तमान ग्राम प्रधान द्वारा गांव में बहुत से विकास कार्य कराए गए हैं, लेकिन राज्य सरकार से मिलने वाली धनराशि के केस समय पर ना मिलने के कारण गांव में विकास कार्य धीमी गति से चल रहा है। मेरा नाम मुस्तकीम अहमद है और मैं इस विद्यालय में पिछले 3 वर्षों से कार्यरत हूँ, सहायक अध्यापक पर कार्यरत हूँ। और यहाँ ये जो प्राथमिक विद्यालय है, ये कटोनी विकास क्षेत्र संभल, तहसील व ज़िला संभल से है। और इस विद्यालय में जो इसकी ये बिल्डिंग है वो जर्जर हो चुकी है, और कई बार इसमें से लेंटर में से ये लेंटर गिरता है जब ये बारिश में ज़्यादा परेशानी महसूस करते हैं, और थोड़ा बच्चों से बड़ी परेशानी होती है। बच्चे को बाहर निकाल के बैठना बिठाना पड़ता है, शिक्षण कार्य में व्यवधान आता है।